हेलो फ्रेंड्स, मैं ईश्वर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज फिर स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जैसे कि अपन वीडियो को अपलोड करते हैं अपने चैनल पर, उसके बाद अपलोड करने के बाद अपनों को दो सेटिंग जरूर कर लेना चाहिए। इन दो सेटिंग को करने के बाद अपनों को अपने वीडियो पर व्यूज भी मिलेंगे, उसके बाद अपने को वीडियो को लाइक भी मिलेंगे, ठीक है। इस दो सेटिंग को करना बहुत ही इम्पोर्टेंट अपनों को जरूरी है। दोस्तों, मैं इस सेटिंग को चालू करने के लिए या सेटिंग को ऑन करने के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउजर पे जाना होगा, ठीक है। क्रोम ब्राउजर पे जाने के बाद आपको सर्च बॉक्स में जाने के बाद आपको क्या सर्च करना होगा कि youtube.com, ठीक है। youtube.com सर्च करने के बाद आपको जो YouTube का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। YouTube डैशबोर्ड आपका जो चैनल का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद आपको कोने पर जो चैनल का आइकन दिख रहा है वहाँ आपको क्लिक करना होगा। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। ऑप्शन मिलेंगे तो वहाँ से आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, वो है स्टूडियो, यूट्यूब स्टूडियो। उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा कि नए ऑप्शन खुलेंगे। नए ऑप्शन खुलने के बाद आपको स्टूडियो यूट्यूब स्टूडियो ओपन हो जाएगा। यूट्यूब स्टूडियो ओपन होने के बाद आपको कोने में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। वहाँ पर उन ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन को क्लिक करना होगा, है ना। उस ऑप्शन को क्लिक करना होगा। वो कौन सा ऑप्शन है? वो वीडियो का ऑप्शन होगा दोस्तों। तो वीडियो का ऑप्शन को आपको क्लिक करना होगा, जिसमें आपको क्लिक करने के बाद आपके सारे जो यूट्यूब की सारे वीडियोस है वो सारे वीडियो आपको लिस्ट में शो हो जाएंगे, ठीक है। तो सारे शो होने के बाद आपको उस सारे वीडियो को शो होने के बाद आपको जो दो सेटिंग है वो जो दो सेटिंग आपको अगर सारे वीडियो में करना है तो वो आप कर सकते हैं। मैं आपको एक वीडियो में सेटिंग करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अपने एक वीडियो को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। आप अपने कौन सा भी वीडियो ओपन कर ले, जिस वीडियो में आपको सेटिंग करना है वो सेटिंग कर सकते हैं। तो मैं एक वीडियो को ओपन करता हूँ। तो जैसे आप वीडियो को ओपन पे क्लिक करते हो वीडियो के ऊपर, तो आपको एडिट बटन का आइकन, मतलब पेंसिल का आइकन दिखता है, उसको क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद आपको जो चैनल का एडिट ब्यूरा है, उस वीडियो का जो ब्यूरा है, कच्चा ब्यूरा, वो पूरा आपका ओपन हो जाता है, ठीक है। ओपन होने के बाद आपको पूरा जो ऊपर है वो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद टेक्स्ट है, वो सारे ओपन शो हो जाते हैं। तो उनको अपनों को ना देखते हुए कोने में जो नीचे आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक तो एंड स्क्रीन और एक कार्ड्स का, ठीक है। तो आपको एंड स्क्रीन पे क्लिक करना है फर्स्ट ऑप्शन आपको सेटिंग चालू करने के लिए एंड स्क्रीन पे क्लिक करना है। तो एंड स्क्रीन आपको कैसे लगाना है दोस्तों, मैंने इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ एंड स्क्रीन कैसे लगा सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो वहाँ जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आप अपने यूट्यूब में इस एंड स्क्रीन की फर्स्ट सेटिंग जो बता रहा हूँ, एंड स्क्रीन जो बोलते हैं, उस एंड स्क्रीन लगा सकते हैं आप। उस वीडियो में आप देख के पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता रखा है एंड स्क्रीन कैसे लगाते हैं, तो वहाँ जाके आप लगा सकते हैं, ठीक है। सेकेंड सेटिंग नीचे आते हैं आपको कार्ड लगाना, ठीक है। आई कार्ड, इसको कार्ड भी बोल सकते हैं, आई कार्ड बोल सकते हैं, और आई बटन जो कैसे लगाते हैं। आपने बहुत सारे क्रिएटर के वीडियो देखे होंगे कि वो बोलते हैं कि मेरे आई बटन पे लिंक दी हुई है, उस वीडियो के आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। जैसे कि कोने में आप आई बटन देख रहे हो, मैंने जो लिंक दी हुई है, ठीक है, ऐसा ही कुछ इस लिंक आपको भी लगाना है। तो आई कार्ड को ऑप्शन आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद अंदर जो प्रोसेस है वो मैंने एक और वीडियो पहले से बना रखी है, आई बटन कैसे लगाए, आई कार्ड जो आई बटन कैसे लगाए, कार्ड कैसे लगाए, उस वीडियो पे मैंने उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दी है, उसका भी लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से वॉच करके आप पूरा देख सकते हैं। तो मैंने दोस्तों ये दो सेटिंग आपको इस वीडियो में आपको बताना चाहता था कि आप ये दो सेटिंग वीडियो अपलोड करने के बाद दो सेटिंग करना बहुत ही जरूरी है। तो आज के लिए इस वीडियो में दो सेटिंग मैंने कैसे करें ये बताया, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो छोटा सा लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें, और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही YouTube से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहे। तो थैंक यू, धन्यवाद।